साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं और ज्ञान का साहित्य। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं साहित्य का मंच हैं। उनमें साहित्य के विविध रूप ही नहीं, आंतरिक विवाद, प्रेरणा, पाठक वर्ग की प्रतिक्रिया अर्थात समूचा साहित्य एवं साहित्यकार संसार होता है। जो साहित्य पुस्तक रूप में नहीं आ पाता, वह भी अपने मूल रूप में पत्रिकाओं में मिल जाता है। इसीलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। हिंदी के विविध आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्तियों को उद्भूत एवं सक्रिय करने में पत्रिकाओं की अग्रणी भूमिका रही है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, मतवाला, विशाल भारत, हंस, रूपाभ का नाम अपने अपने समय की साहित्यिक प्रवृत्ति और युग से जुड़ा है। हिंदी साहित्य की सर्जना और बोध की प्रक्रिया इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही संचालित और अभिव्यक्त हुई। स्वातंत्र्योत्तर भारत में हंस, प्रतीक, कल्पना, वसुधा, नई कविता और ज्ञानोदय ने साहित्य को विकसित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वातंत्र्योत्तर युग की साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी परंपरा का पालन यदि किसी साहित्यकार ने किया है तो भैरव प्रसाद गुप्त ने। उन्होंने कहानी और नई कहानियां के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास में ऐतिहासिक योगदान किया। कालांतर में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला। उसका कारण यह है कि हिंदी की पत्रिकाएं भी पूंजीपतियों के कब्जे में आ गईं। लघु पत्रिकाएं प्रायः प्रगतिशील साहित्यकारों ने निकाली। यदि लघु पत्रिका कोई पत्रकारिता आंदोलन था तो इसके प्रवर्तन का श्रेय श्री विष्णु चंद्र शर्मा को मिलना चाहिए। उन्होंने सन 1958 में काशी से कवि नामक पत्रिका प्रकाशित संपादित की। इसका साहित्यिक स्तर ऊंचा था। दस्तावेज, पहल, अब, उत्तरशति, उत्तरार्ध, कथन, कथादेश, वागार्थ, तद्भव, कल के लिए, सर्वनाम आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो समकालीन हिंदी रचनाशीलता को विकसित और प्रोत्साहित कर रही हैं। इधर आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में फिर से प्रकाशित होने लगी है। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे। समीक्षा की ही एक अन्य पत्रिका समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संपादन में आगरा से कुछ दिनों तक निकलती रही।
सरकार भी साहित्य को प्रोत्साहन देने और उसका प्रचार करने के उद्देश्य से कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं निकाल रही है। इनमें आजकल प्रमुख है। इधर मध्य प्रदेश सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में सक्रिय हुई है। भोपाल से पूर्वाग्रह और साक्षात्कार नामक स्तरीय पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। साहित्य अकादमी की ओर से सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत करने वाली पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य प्रकाशित हो रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन से सम्मेलन पत्रिका और माध्यम नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से नागरी प्रचारिणी पत्रिका भी प्रकाशित हो रही है। हंस राजेंद्र यादव के संपादन में पुनः प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान का साहित्य। स्वाधीन भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य का विकास हो रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से यह काम 1900 ईस्वी के आसपास ही प्रारंभ कर दिया था। इस युग में राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, जयंत विष्णु नारलीकर, गुणाकर मुले आदि ने विशेष कार्य किया है। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया ने प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर, और डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय ने बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर अत्यंत परिश्रम पूर्वक अनुसंधान किया। राहुल जी का इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा। उन्होंने मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत का इतिहास लिखा। विज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में अनेक सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, विज्ञान परिषद प्रयाग, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद आदि ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और हरियाणा साहित्य अकादमी भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रायः सभी मंत्रालयों में हिंदी एकक स्थापित है, जो सरकारी कामकाज का हिंदी अनुवाद करते हैं। केंद्र में भी अनुवाद ब्यूरो स्थापित है। हिंदी समिति उत्तर प्रदेश आदि ने ज्ञान विज्ञान से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया है। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं और ज्ञान का साहित्य। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम, आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी, वाचन स्वर दीपक शर्मा और भावना चौधरी, कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।